गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम गायनी के एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे जिसका नाम है ऋतु चक्र, मॉडर्न में जिसे हम मेंस्ट्रुअल साइकिल बोलते हैं। तो बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, एग्ज़ाम में लॉन्ग क्वेश्चन में भी आता है, शॉर्ट नोट्स में भी आ सकता है, तो उसी के हिसाब से हमें लिखना होगा उसमें। तो मैं लॉन्ग क्वेश्चन के हिसाब से पढ़ा रही हूँ और शॉर्ट नोट्स में लिखना है तो उसको हम थोड़ा सा शॉर्ट करके लिख देंगे। तो चलिए आज हम ऋतु चक्र जो है स्टार्ट करेंगे। लेकिन स्टार्ट करने से पहले अगर आपको वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ऋतु चक्र, सामान्यतः स्त्री शरीर में जो ऋतु चक्र है वो कितना माना गया है, एक मास का यानी कि 28 दिन का माना गया है। तो हर स्टेज में जो शरीर में परिवर्तन होते हैं तो उन शारीरिक परिवर्तनों के आधार पर आचार्यों ने इसे तीन भागों में विभक्त किया है और इसे हम तीन भागों में विभक्त करके ही पढ़ेंगे। रजःस्राव काल, ऋतु काल और ऋतु व्यतीत काल। रजःस्राव काल, ऋतु काल और ऋतु व्यतीत काल मीन्स मॉडर्न में भी हम जब मेंस्ट्रुअल साइकिल पढ़ते हैं तो उसमें भी हम ऐसे ही स्टेजेस हैं, उसमें भी एक मेंस्ट्रुअल फेस होता है, प्लोरीफरेटिव फेस होता है और उसके बाद सिक्रेटरी फेस होता है। पहले मेंस्ट्रुअल फेस होता है, फिर प्लोरीफरेटिव फेस होता है जिसमें एस्ट्रोजन का इफेक्ट होता है, एस्ट्रोजन अधिक मात्रा में निकलता है, फिर 14वें दिन ओव्यूलेशन होता है, फिर उसके बाद कॉर्पस लूटियम बनता है और जिसे हम उसके बाद लूटियल कॉर्पस लूटियम है उसके इफेक्ट में प्रोजेस्ट्रॉन निकलता है उसकी वजह से, और जो एंडोमेट्रियम होती है उसमें सिक्रेटरी फेस होता है जिसे हम पोस्ट ओव्यूलेटरी फेस या लूटियल फेस भी कहते हैं। तो वही फेसेस आयुर्वेद में डिस्क्राइब किए गए हैं, उसी को हम जैसे रजःस्राव काल है वो मेंस्ट्रुअल फेस है, ऋतु काल है प्रोलीफरेटिव फेस है इंक्लूडिंग ओव्यूलेशन, और रजःस्राव काल 3 से 5 दिन का, ऋतु काल 12 से 16 दिन का, ऋतु व्यतीत काल जो है सिक्रेटरी फेस है जो कि 9 से 13 दिन का माना गया है। तो हम वन बाय वन जो है इसके बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले है रजःस्राव काल। जो रजःस्राव काल है मेंस्ट्रुअल पीरियड, मतलब इसके बारे में आचार्य चरक ने रजःस्राव काल कितने दिन तक जो है रज का स्राव होता है इसके बारे में आचार्य चरक ने अपने चिकित्सा स्थान के अध्याय 30 में जो है वो डिस्क्राइब किया है कि 5 रात्रि तक ये निकलता है। तो जहाँ पर शुद्ध आर्तव के लक्षणों का वर्णन किया है वहाँ पर जो है वो बताया है, जैसे मासात निष्पिच दहा आरती पंचरात्र अनुबंधी च न एव अति बहु न अति अल्पम आर्तवम शुद्धम आदिशेत। मीन्स जो आर्तव है प्रत्येक मास निकलता है पिछिलता से रहित, दहा और वेदना से रहित होता है। पंचरात्र मतलब यहाँ पे बताया पंचरात्र अनुबंधी 5 डेज तक निकलता है, न अधिक मात्रा में न अल्प मात्रा में ऐसा आर्तव शुद्ध माना जाता है। तो शुद्ध आर्तव के लक्षणों का वर्णन करते हुए आचार्य चरक ने यहाँ पर रजःस्राव काल कितने दिन तक पीरियड होता है, मेंस रज का स्त्राव होता है वो बताया, 5 रात्रि 5 दिन का माना है। और अष्टांग संग्रह ने अपने शारीर अध्याय 1 में जहाँ पर आर्तव की डेफिनेशन बताई है, आर्तव की डेफिनेशन बताते हुए बताया है कि 3 दिन तक प्रवर्तित होता है, 3 दिन माना इन्होंने रजःस्राव काल। रक्तम एवं स्त्रीणाम मासी मासी गर्भकोष्ठम अनुप्राप्य त्रयहम प्रवर्तमानम आर्तवम इति आहु। स्त्रियों में जो रक्त प्रत्येक मास गर्भकोष्ठ को प्राप्त होकर 3 दिन तक प्रवर्तित होता है उसे हम आर्तव कहते हैं। तो आर्तव की डेफिनेशन बताते हुए बताया है त्रयहम प्रवर्तमानम, यानी कि इन्होंने 3 दिन तक रजःस्राव काल माना है। अष्टांग हृदय ने भी अपने शारीर अध्याय 1 में बताया है, मासी मासी रजः स्त्रीणाम रसजम स्रवती त्रयहम। रस से उत्पन्न जो रज है वो स्त्रियों में प्रत्येक मास 3 दिन तक स्रवित होता है। तो वही है 3 दिन तक, इन्होंने भी 3 दिन माना है। तो रजःस्राव काल अगर शॉर्ट में लिखा जाए तो आचार्य चरक ने 5 रात्रि, वाग्भट ने, दोनों वाग्भट जो हैं उन्होंने 3 दिन, और हारित और भेल ने 7 दिन का समय बताया है। आयुर्वेद में भी 3 से 7 दिन बताया है, मॉडर्न में भी जो नॉर्मल जो मेंस्ट्रुअल ब्लड का टाइम है फ्लो का, नॉर्मल पीरियड का जो फ्लो का टाइम है वो है कितना, 3 से 7 दिन ही माना गया है मेंस्ट्रुअल फ्लो। अगर इससे कम या ज़्यादा होता है तो विकृत माना जाता है, मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर माना जाता है। तो रजःस्राव काल नॉर्मली आयुर्वेद में भी जो है वो 3 से 7 दिन का माना गया है सामान्यतया, ठीक है। तो आपको अगर नहीं याद हो, वैसे श्लोक इंपॉर्टेंट है, कहीं जगह काम आएंगे, जहाँ आर्तव आपको लिखना होगा वहाँ पे आर्तव की डेफिनेशन, शुद्ध आर्तव के लक्षण आपको ये याद करने ही हैं श्लोक, तो आपके यहाँ पर भी काम आ जाएंगे ये। तो आचार्य चरक ने 5 दिन, वाग्भट ने 3 दिन और हारित ने और भेल ने 7 दिन का रजःस्राव काल माना है। अब ये जो रजःस्राव है वो किस प्रकार से, मतलब जो आर्तव है प्रत्येक मास किस प्रकार से आता है, इसके बारे में भी आचार्य शुश्रुत ने अपने शारीर अध्याय 3 में डिस्क्राइब किया है
कि मासेन उपचितम काले धमनी भ्याम तद आर्तवम ईषत कृष्णम वी गंधम च वायु योनि मुखम नयेत। मतलब दोनों धमनियों के द्वारा प्रत्येक मांस में जो हर मांस में जो संचित रक्त होता है, मासेन उपचितम मतलब हर मांस जो रक्त संचित होता है वो दोनों धमनियाँ, दो आर्तवाही धमनियाँ होती हैं, तो उन दो आर्तवाही धमनियों के द्वारा प्रत्येक मास में संचित जो आर्तव है जो कि कुछ कृष्ण वर्ण का होता है और विगंध होता है, उसको वायु योनि के मुख की ओर ले जाकर स्रवित करती है। तो हर मास जो है वो मेंस्ट्रुअल ब्लड कैसे आता है इसके बारे में भी आचार्य सुश्रुत ने बताया है अपने शारीर अध्याय 3 में, ठीक है। और इसी प्रकार का जो है वो वाग्भट संग्रह और हृदय दोनों ने ही बताया है। थोड़ा सा श्लोक थोड़ा सा डिफरेंट है लेकिन इजी है। मासेन उपचितम रक्तम धमनी भ्याम ऋतौ पुनः, यहाँ पे काले लिखा है, यहाँ पे रक्तम लिखा है, यहाँ पे आर्तवम लिखा है, यहाँ पे ऋतौ पुनः लिखा है, बाकी पूरा श्लोक एक जैसा है। तो आप दोनों याद कर लोगे तो आपका थोड़ा सा पेज कवर करेगा। सो मासेन उपचितम रक्तम धमनी भ्याम ऋतौ पुनः ईषत कृष्णम वी गंधम च वायु योनि मुखम नयेत। वही मतलब है कि दोनों धमनियाँ प्रत्येक मास में संचित रक्त को जो कि कुछ कृष्ण और विगंध वर्ण का विगंध होता है, उसमें कोई गंध नहीं होती है, उसे वायु योनि के मुख की ओर ले जाकर स्रवित करती है। तो ये आर्तव की उत्पत्ति बताई है आयुर्वेद में, ठीक है। मॉडर्न में भी बताया जाता है ना कि जब उस समय प्रोस्टाग्लैंडिंस निकलते हैं एंडोमीट्रियम से, प्रोस्टाग्लैंडिंस का सिक्रेशन होता है, वासो कंस्ट्रिक्शन होता है, फिर टिश्यू नेक्रोस्ड होता है, फिर उसके बाद जब वासो कंस्ट्रिक्शन हट जाता है तो उसके बाद ब्लड और उसके साथ में जो एंडोमीट्रियम के जो श्रेड्स होते हैं वो मेंस्ट्रुअल ब्लड की फॉर्म में निकलते हैं। तो वही आयुर्वेद में कैसे हर मास जो है कैसे पीरियड आता है वो बताया है। तो रजः स्राव काल में कितने दिन तक स्रवित होता है वो, और उसके बाद कैसे आता है ये बताएंगे। अब इसके बाद रजः स्राव काल से संबंधित है रजस वलाचर्या, मीन्स जिस समय रज का स्राव होता है उस समय स्त्री को क्या मोड ऑफ लिविंग फॉलो करना चाहिए, क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, और अगर इसको फॉलो वो करती नहीं करेगी तो क्या उससे होगा। तो ये भी रजस वलाचर्या भी अलग से क्वेश्चन आ सकता है, या फिर जब रजः स्राव काल होगा तो आपको लिखना है, या ऋतु चक्र आएगा तो आपको लिखना ही लिखना है। तो रजस वलाचर्या मीन्स रजः स्राव के समय जो लाइफस्टाइल, जो मोड ऑफ लिविंग लेडी शुड फॉलो ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन, दैट इज रजस वलाचर्या। तो इसके बारे में आचार्यों ने अलग अलग बताया है, चरक ने, सुश्रुत ने और वाग्भट ने। तो आचार्य चरक ने क्या बताया है कि रजस वलाचर्या के संदर्भ में रजो दर्शन के समय से लेकर 3 रात्रि तक ब्रह्मचारिणी रहकर वो भूमि में शयन करेगी, हाथ में अजर्जर पात्र, बिना टूटा हुआ पात्र लेकर अन्न रखकर उसमें भोजन करेगी, किसी प्रकार का वो प्रक्षालन नहीं करेगी, मुँह हाथ धोना या नहाना या बाल धोना ऐसा नहीं करना है प्रक्षालन। तदुपरांत 4th दिवस फिर उपटन लगाकर सिर से स्नान कर श्वेत वस्त्र धारण कर और पुरुष भी श्वेत वस्त्र धारण करेंगे, और ये ऐसा बताया है इन्होंने। और आचार्य सुश्रुत ने कुछ चीज़ों को की मना की है कि वो चीज़ नहीं करनी है, जैसे प्रथम दिन से ही ब्रह्मचारिणी रहकर स्त्री दिन में सोना, अंजन, अश्रुपात, स्नान, अनुलेपन, अभ्यंग, मुनख कर्तन, प्रधावन, अधिक हंसना, अधिक बोलना, अति ज़्यादा शब्द का सुनना, अवलेखन, बाल काटना, प्रभात का सेवन या परिश्रम, इनका परित्याग करना है, और दर्भ के बने हुए बिस्तर पर सोना है, पत्ते पर घी के साथ भोजन करना है, और 3 दिन तक पति से पृथक रहना है। तो ऐसा करके मतलब ब्रह्मचारिणी रहना है। तो ये रजस वाला चर्य आचार्य चरक और सुश्रुत ने बताई है। वाग्भट ने स्पेशली रजस वाला को, मतलब जिस समय रजस राव हो रहा हो उसको स्वेदन का निषेध बताया है कि उसमें स्वेदन नहीं करवाना है, और काश्यप ने रजस वाला को नस्य और वमन कर्म का निषेध बताया है कि नस्य और वमन कर्म नहीं करवाना है। तो ये रजस वाला चर्य है आचार्य चरक, सुश्रुत, वाग्भट और काश्यप के अनुसार। और अगर ये जो चीज़ें हैं अगर वो चीज़ फॉलो नहीं करेगी लेडी एट द टाइम ऑफ रजस स्राव तो क्या हानि हो सकती है, तो उसके बाद जब ऋतुकाल होगा उस समय अगर लेडी कंसीव करती है तो उससे उसके होने वाले गर्भ पर प्रभाव पड़ता है। तो इसके बारे में आचार्य ने बताया है कि ऋतु स्राव के समय स्त्री दिन में सोएगी तो गर्भ निद्रालु होगा, अंजन करेगी तो अंधा होगा गर्भ, रोने से विकृत दृष्टि वाला होगा, स्नान अनुलेपन करने से दुखशील होगा, और तेल का अभ्यंग करने से कुष्ठ रोग से पीड़ित, नखों को काटने से विकृत नख वाला, तेजी से दौड़ने से चंचल, हंसने से शाव वर्ण के दांत, ओष्ठ, तालु और जीवा वाला, ज़्यादा बोलने से वाचाल, अति शब्द के श्रवण करने से बधिर बहरा होगा, अवलेखन मतलब बाल काटने से खलित या गंजा, वायु के ज़्यादा सेवन करने से उन्मत्त मतलब पागल,
ये बताया है, और भाव प्रकाश ने स्पेशली बताया है भूमि खनन मतलब डिगिंग ऑफ अर्थ से सखलन चलते चलते गिरना, और कश्यप ने नस्य से आर्तव दोष का होना बताया है। ठीक है, तो ये सब जो है वो बताए गए हैं कि रजस्त्राव के समय ऐसा उसको नहीं करना चाहिए। इसी प्रकार से रजस्त्राव के समय मैथुन का भी निषेध बताया है, और अगर मैथुन होगा तो उसका क्या परिणाम होगा इसके बारे में आचार्य श्रीश्रुत ने अपने शारीर अध्याय 2 में बताया है कि रजस्त्राव के समय अगर प्रथम दिन संभोग करने से, प्रथम दिन मैथुन करने से पुरुष की आयु का नाश होता है, गर्भ नहीं ठहरता है, तत्र अधीयते गर्भः, और यदि गर्भाधान हो भी गया तो बालक प्रसव के बाद तुरंत ही मर जाता है। सेम सेकेंड डे भी ऐसा ही होगा कि पुरुष की आयु का नाश, गर्भ नहीं ठहरेगा, और अगर ठहर भी गया तो मर जाएगा। तृतीय दिवस गर्भाधान होने पर बालक असंपूर्ण अंगों वाला और अल्प आयु होता है। चौथे दिवस गर्भाधान होने पर संपूर्ण अंग और दीर्घायु होता है, क्योंकि इसको ऐसा बताया गया कि जैसे नदी का प्रवाह होता है, तो जिस ओर नदी का प्रवाह होता है उसके अपोजिट डायरेक्शन में अगर हम कोई चीज़ फेंकेंगे तो वो उसके अपोजिट डायरेक्शन में तो नहीं बहेगी ना, उसी प्रकार से उसी का उपमा देते हुए बताइए कि जैसे नदी के प्रवाह के विपरीत कोई चीज़ नहीं बह सकती है, उसी प्रकार से जो मेंस्ट्रुअल ब्लड है उसका फ्लो नीचे की ओर है, और जो स्पर्म है और जो शुक्र है वो उसका प्रवेश ऊपर की ओर होता है, तो धारा के विपरीत होने से गर्भाधान इस समय नहीं हो पाएगा। तो इस प्रकार से जो है वो आचार्य श्रीश्रुत ने अपने शारीर अध्याय 2 में मैथुन का निषेध बताया गया, अगर उस समय मैथुन होगा तो क्या परिणाम होगा ऐसा करके बताया। तो रजस्त्राव काल में आपको कितने दिन तक रजस्त्राव काल होता है, कैसे प्रत्येक मास जो है रज का स्त्राव होता है, और उसके बाद रजस वाला चर्या क्या, व्हाट शुड बी द मोड ऑफ लिविंग ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन, ये क्या फॉलो करना चाहिए क्या नहीं फॉलो करना चाहिए, अगर वो नहीं फॉलो करेगी तो क्या होगा, और मैथुन का निषेध बताया है स्पेशली उस समय, और मैथुन अगर होगा तो क्या परिणाम होगा आचार्य श्रीश्रुत ने उसको भी बताया है, प्रथम दिन, द्वितीय दिन, द्वितीय दिवस, तृतीय दिवस, चतुर्थ दिवस, किस प्रकार का बालक होगा। तो ये है, अब हम ये हमारा रजस्त्राव काल हो गया है। नेक्स्ट वीडियो में हम ऋतुकाल के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि टॉपिक थोड़ा सा लंबा है, अलग अलग क्वेश्चन भी आता है और पूरा क्वेश्चन भी आता है, तो ये रजस्त्राव काल और उससे संबंधित जो भी टॉपिक्स थे वो हमने आज कवर किए। नेक्स्ट वीडियो में हम ऋतुकाल के बारे में और ऋतु व्यतीत काल के बारे में पढ़ेंगे, तब तक आप इसको ध्यान से पढ़िए, एंड ऑल द बेस्ट।